बागडोगरा पुलिस ने रेंजर साइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां 16 रेंजर साइकिल के साथ 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी बागडोगरा के चाय बगान क्षेत्र के बताए गए। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बागडोगरा थाने की पुलिस इस पूरे गिरोह की आगे की जाँच कर रही है। दरअसल आप सभी को बता दें कि बीते कई दिनों से बागडोगरा से जुड़े विभिन्न जगहों से रेंजर साइकिल चोरी हो रही थी, जिसको लेकर बागडोगरा थाने में एक के बाद एक कीमती साइकिल की चोरी की शिकायत दर्ज हो रही थी। साइकिल चुराकर चोर आसानी से इसे हजम कर जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई नंबर भी नहीं होता और ना ही उस पर किसी का ध्यान जाता है। इसी का फायदा उठाकर ये गिरोह इस कारनामे को एक के बाद एक अंजाम देते रहे। जानकारी के मुताबिक बदमाश इन कीमती साइकिल को चोरी करने के बाद उन्हें दूसरी जगह पर कम दामों में बेचा करते थे। इस मामले की शिकायत लगातार बागडोगरा थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद बागडोगरा के सफेद पोशाक पुलिस ने साइकिल चोरी गिरोह में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आप सभी को बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रोनित उराव, रवि उराव, करण लोहार, जोगुल बराई और बिसात उराव है। यह 5 आरोपी बागडोगरा थाना अंतर्गत कमलपुर चाय बगान के निवासी बताए जा रहे हैं। रेंजर साइकिल चोरी मामले में 5 आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है।